का सिबलिंग्स को स्टोरीज। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा गाइस, पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा आज कंटेंट ना क्रिकेट है ना कोई रोना धोना है। मेरा जो कुर्बानी का जानवर है वो तो आ गया एक दो दिन। मैंने ये जो व्लॉग डाला था मंडी वाला, वो पाक वर्सेस इंडिया से भी पहले का है। उससे पहले मैं दो तीन बातें करूँगी, कोई रोना धोना नहीं है, लेकिन दो तीन बातें करूँगी जो कि गलत है। आज सुबह मैं सो के उठी हूँ तो मैं अभी नींद में ही थी और मैंने मोबाइल उठाया और मैंने मोबाइल पे देखा, यूट्यूब खोला, और यूट्यूब खोला तो उसमें मैं क्या देखती हूँ कि मेरी हर वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, और जो वर्ल्ड कप की जितनी भी थी। ठीक है, मैं जल्दी से उठी, मैंने लैपटॉप उठाया और मैं बैठ गई। मैंने कहा कॉपीराइट क्लेम है, मैं हटा देती हूँ, कोई मसला है तो अगर कोई किसी क्लिप पे आया है। और मैंने देखा कि मेरी जीरो सेकंड से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो पे कॉपीराइट आया हुआ है। अच्छा, कॉपीराइट क्लेम इज़ नॉर्मल। मैंने देखा कि जब वो पूरी वीडियो पे आई हुई है तो मतलब मैं एक डिसहार्ट एकदम से हो गया। अगर इस पर मैंने लिखा हुआ था कि ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, किसी का लिया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो कैमरा मेरा, सब कुछ मेरा, हमारी इंजॉयमेंट जो भी थी, अगर हम मैं टीवी की तरफ कर भी रही थी तो दो सेकंड के लिए। पूरा व्लॉग मेरा आप देख सकते हैं, मैंने कोई पूरी बॉल्स नहीं दिखाई, मैंने पूरे पूरे कैचेस नहीं दिखाए, मैंने कुछ पूरा नहीं दिखाया। उसके बावजूद कॉपीराइट आया हुआ, ठीक है, और उससे बड़ी बात मेरा कंटेंट लिटरली पूरा व्लॉग मेरा उठा के किसी ने अपने पेज चैनल्स पे लगाए हुए हैं। ठीक है, मतलब मैंने बहुत चैनल्स देखे, मैंने मोनेटाइज्ड चैनल भी देखे हैं, जो डेड चैनल थे उन पे लगाए गए थे और वो ग्रो कर गए थे चैनल। और उसके अलावा कुछ थे जो ग्रो चैनल थे, उन्होंने जी फजूल तरीन टाइटल्स देखे ना, कि नसीम शाह ये, तो नसीम शाह वो करके, कि उनके पीछे रो रही थी, वो करके उन्होंने लगाई हुई और उस पर 3 लाख, बल्कि अब तो मेरे ख्याल से 4 लाख व्यूज़ हैं। ठीक है, उस पर, और मतलब प्रॉपर उन्होंने उससे व्यूज़ लिए। ठीक है, मैं सुबह से इतनी डिसहार्ट चल रही हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा। मुझे मोटिवेट करने वाले मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहनें, कसम से मैं इंसान इतनी मेहनत करता है, अगर ठीक है लोग कहते हैं ठीक है ऐसे व्यूज़ ले रही थी वैसे व्यूज़ ले रही थी, भाई मैंने एडिटिंग की, मैंने अपनी एनर्जी कंसिस्टेंट रखी, जितने भी पीछे व्लॉग्स बनाए, ये आसान काम नहीं होता। ठीक है, जो भी कहते एक्टिंग करती कुछ भी, मतलब मैं इतने होशो आवास में थी उस वक्त, अगर मैं रो भी रही थी, मैं कुछ भी कर थी, एक्टिंग कुछ भी नहीं थी, वो रियल था, तभी इतना इंडिया में भी वायरल हुआ और लोगों ने उठा के वीडियोज़ लगाई वो वाली अपने शॉर्ट्स पे, अपने पूरा मेरा व्लॉग डाला है उन्होंने। मैं भी भेज सकती थी कॉपीराइट क्लेम, लिटरली कसम से। मैंने ये कहा चलो यार खैर है, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं तो खैर है, अगर किसी को मिल रहे व्यूज़ तो इट्स ओके। मतलब लिटरली मेरी ये सोच थी और जो मुझे भारी पड़ गई है। मतलब उस वक्त रो रही थी और इतने बुरे हालात थे, उसमें मैं सबको, मतलब यार एक आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन हो ना, लिटरली उसके बावजूद मतलब मैं इतना सख्त, उस दिन हार्ट ब्रेक था पाक वर्सेस इंडिया में, क्योंकि हम जीत रहे थे। ठीक है, रोज़ आपका आप बैठ के क्रिकेट छोड़ के क्रिकेट भी लगा हुआ है, साथ साथ आप अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके उसको एडिट करके लगाना, मतलब यार अगर व्यूज़ आ भी रहते हो तो डिज़र्विंग व्यूज़ ही आ रहे होते हैं। हर वो चीज़ इंसान देखता है, जो बंदे को इंटरटेन कर रही हो ना वही चीज़ देखते हैं। खैर किस जो भी किया है, हम तो वापस अपनी पोजिशन पर आ जाएंगे, नहीं जाते कहीं, दिस इज़ रॉन्ग बॉस। खैर चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं पैरिस। आप वैड़ा दिखाते हैं आपको, वैड़ा गाय क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं हम लोग, काओ बुल वट एवर। खैर हम जाके देखते हैं उसको और आपको भी दिखाते हैं साथ। कहते हैं चलिए, कोई है तो नहीं हॉल में, हम जा सकते हैं, हैं चलो फिर। उन्हीं लगा बाय विनी। गाइस हम इस वक्त जा रहे हैं वैड़ों के पास। ये हमारा है, लेकिन ये बहुत अथरा हुआ है, ये हाथ भी नहीं लगाने देता। पता चला मुझे यहाँ इसने मार के फेंका हो। ये है क्यूट सा, कुछ भी नहीं कर रहा, ये कुछ भी नहीं कर। अजान इधर आओ, इसको पकड़ के दो। अजान एक मिनट, गंदा गंदा उसको पकड़ो, जबान लगवा था गंदा उससे। अल्लाह गंदे हो आप भाई।
खीरा भी होता है ना, खीरा होता है लेकिन वो छोटा होता है, बच्चा होता है वो, छोटा होता है, धोंधे से छोटा होता है। ये चौगा हो रहा है अभी, अभी हुआ नहीं है, इसके चार चौथा दांत निकल रहे हैं अभी, नहीं आएगा। हाँ तो बेचारे का तरह निकाल देती है, आराम से पकड़ो वो तमीज से उससे, मतलब वो कभी कुछ ना कहे, कह भी देखो यार, देखो हम आपसे क्या। तुम उससे मत डराओ, पहले ही डरा हुआ है, सर पता चल, इनको पता चल जाता है, आपने क्या बोला, एक दिन है ये, इनको पता चल जाता है। नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये तो आओ जाओ बनाओ वीडियो के साथ, मैं पकड़ती हूँ कैमरा, बैठ जा, कुछ भी नहीं कहता, बिला वजह बस ना ड्रामे लगा रही है, कुछ भी नहीं कहता यार, ये बड़ा सबसे मासूम है, नहीं यार बड़े बड़े क्यूट होते हैं, बंद करके फिर एक पिक्चर बना दे। ओके अल्लाह अल्लाह, ये पीछे लंबी वाली सड़ी है, इधर लेके जा रहे हैं, बाहर से आ रहे रूम में, आओ चला ना, वो चला हो जाएगा यार, तुझे रस्सी भी खानी है यार, बस किया करना, बस हमने तुम उसके खाने पे नजर ना रखा, बस की दिखर आएगा ना गाइस, बाय बाय अजान, तुम यहीं इनकी ड्यूटी दोगे अभी, नहीं आ रहे हो, ओके बाय बाय। मेरे को लगता है बुरे दिन ही चल रहे थे, हाथ देख चलते बेहोश हो गए, इतनी सख्त गिरी हूँ ना कसम से, व्लॉग बनाते बनाते मैं लगता है भाई बुरे दिन चल रहे हैं मेरे, मास्क लगाया हुआ है, चुप कर यार, हम ना फजूल बातें ना कर, मैं इतनी जोर से गिरी हूँ यार, अभी घर जाते हैं फिर आपसे बात करते हैं, हाँ यार मेरे बुरे दिन चल रहे हैं यार, मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, मैं तब पूछे तो सही हुआ क्या है, वो नहीं हुआ और कुछ हुआ, गिरी हूँ यार मैं इतनी जोर से, किचन के बाहर गिर गई हूँ, बड़े देखने गई हुई थी, इतनी जोर से गिरी हूँ, मेरा क्या स्लिप हुई थी, मैं व्लॉग बनाते बनाते मैडम करी, ओके बाय बाय अंकल के वापस मिली हूँ, वो ईंटे से पड़ी हुई ना ब्लॉक्स, उनके ऊपर पाँव आया, मैं अपने आप को संभाल भी नहीं सकी थी। हाँ तो गाइस व्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही था आज का, थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने कहा जा रही हूँ तो दिखा दूँ, ज़्यादा मकसद यही था आपको बता दूँ, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ी तो उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान बाहर हो गया, हाँ अपने व्लॉग्स डिलीट कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे व्लॉग पर कॉपीराइट क्लेम आ गया जो कि हट भी नहीं सकता, और जब ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आपका दिल भी नहीं करता कि आगे आप कंटिन्यू करो या कुछ भी करो, आपकी मेहनत ज़ाया होगी, लेकिन जो देख रहे हैं लिटरली मुझे इतने मैसेजेस आए हैं इंस्टा पे कि यार नहीं छोड़ना मत यार, तुम्हारी मेहनत है ऐसा मत करना, और हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें देखते हैं, तुम हमें रिप्रेजेंट कर रही होती हो, तुम PCTN को रिप्रेजेंट कर रही होती हो, तो वो देख के बंदे का नहीं दिल करता, सो हमने भी सोच लिया कि हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ को ऐसे मिसहैप हो जाए, तो इंशाल्लाह अभी नहीं तो हम कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे नाइंसाफियाँ तो दुनिया में चलती रहती हैं, बस ऐसे ही इंटरटेन करते रहेंगे हम आपको, हम सब मिलके कभी मैच होगा, अब तो हम सोच रहे हैं कि हम मैच के अलावा भी आ जाएं, क्योंकि हमें मैच दुख दे रहा है, हे अल्लाह हम ना आज सोच के यही, आज मेरे दिमाग में बस यही चलता आ रहा है, हाँ तुम आ जाओ, तुम कुछ नहीं, मैं तुम्हारी कोई चीज़ खा रही हूँ ना, हाँ बोलो, तुम्हें दुख नहीं है बिल्कुल भी ना यार, मुझे बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा, लाइक काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा मैंने भी दुखी कर लिया, मैं भी रोने लगी, तो जो कैमरे के पीछे बंदा बैठा है इसको कौन हौसला देगा, मैं ही तो हूँ, करने से पहले आप ये सोचा करो कि यार किसी ने मेहनत की हुई है,
किसी ने पूरा पूरा पूरी पूरी रात एडिटिंग पर लगाई है। हम बनाते हैं व्लॉग, हमारे हाथ थक जाते हैं, हम इस तरह पकड़ के बैठे हुए हैं। क्यों हम अपना और अपना व्लॉग छोड़ के, अपना क्रिकेट छोड़ के, व्लॉग कह रही हूँ, अपना क्रिकेट छोड़ के हम बैठ के लोगों को रिएक्शंस दिखा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। तो हमारी भाई मेहनत होती है, हम बैठ के, हम मतलब हमें कोई शौक तो नहीं है कि हम बिला वजह जो है ये हाथ पकड़ अपने आप को रिकॉर्ड करें, फिर कभी यूँ करें यूँ करें, सबको दिखा रहे हैं, रिएक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो हम अपने मूवमेंट्स इस वक्त हो रहे हैं हम उसको छोड़ के हम उसको कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इतनी इतनी देर बैठ के हम ODI के मैचेस होते थे, हम पूरा पूरा मतलब ODI के कितने लंबे मैचेस होते हैं, हम ये क्या कहते हैं T20 चार घंटे का होते हैं, ODI तो पूरा सुबह से रात तक लगा हुआ है, हम इतनी मतलब लगे हुए हैं। तो यार चार घंटे हम बैठ के रिकॉर्ड करें, हम दस दस घंटे बैठ के रिकॉर्ड करें, तो एटलीस्ट सोचा करो किसी की मेहनत है। बस आगे अल्लाह उस बंदे को हिदायत दे भाई। हाँ, और हम कौन सा जा रहे हैं, इंशाल्लाह हो ही जाएगा हमारा भी, हमने भी सोच लिया है कि इंशाल्लाह आगे ही बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं आए। यार देखिए अपने हुए तो हम इतना खुश थे कि मैं सबको जा जाके बताती अपने घर में कि हमारे 1 मिलियन हो गया, 1 मिलियन हो गया, लेकिन बस किसी की खुशी देखी नहीं जाती लोगों से। हाँ वाकई नज़र सो रियल किसी की खुशी, बल्कि खुशी क्या ये तो पता नहीं, कोई इंडिया नहीं लग रहा था, बट जो भी था अल्लाह आपको हिदायत दे, मैंने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा था, सीरियसली मुझे बहुत दुख है। कोई लोगों ने पता है मेरे हमारे व्लॉग से 5-5 लाख व्यूज लेके गए, 3 लोगों का मैंने तकरीबन देख चुके हैं। अभी मुझे एक इंडियन ने भी भेजा हुआ था कि आपके व्लॉग किस लगा हुआ है, हम चाहते हैं तो हम उन्हें भी कॉपीराइट भेज सकते हैं, पर हम नहीं भेज रहे यार, चलो किसी के व्यूज आ रहे हैं तो क्यों हम कर, लेकिन हमारे साथ मतलब हम भेज सकते हैं, हम नहीं भेजते कि यार छोड़ो अगर किसी का हो रहा है, अगर किसी का व्यूज आ रहे हैं, बंदा खुश है तो हम क्या करें। किसी ने पूरी वीडियो पूरा व्लॉग डाला है हमारा और सिर्फ वो बैठ के इस तरह व्लॉग देख रहे हैं, नीचे हमारा व्लॉग चल रहा है, वो पूरा देखा है उस बंदे ने, तो अगर हम चाहते तो हम उसको भी कॉपीराइट भेज सकते थे, हमने नहीं भेजा कि यार छोड़ो अगर किसी के व्यूज आ रहे हैं तो हम क्या क्यों भेजें बिला वजह, उस बंदे के साथ क्यों हम इस तरह करें वो था। लेकिन चलो आप लोगों ने तो वैसे ही, इंडियंस ने तो हाँ मतलब मैंने कहा कि व्लॉग वो लोग समझ रहे हैं कि मैंने व्लॉग डिलीट कर दिए, पाकिस्तान बाहर हुआ है तो मैंने व्लॉग्स डिलीट कर दिए, ठीक है। हम खुद कह रहे थे कि पाकिस्तान डिजर्विंग नहीं है, वो बाहर हो जाए अच्छा है, मतलब इधर नहीं करेगा मेरा भाई पागल पागल हो, हमने क्यों डिलीट करना है, हम इतने हमारी इतनी मेहनत, हम इतनी डीट कॉम और बेशरम कॉम है, हम इन चीज़ों से नहीं पीछे हटते, हमें आदत है। हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी हमने कोई इस तरह की हरकत नहीं की, ना हमने इस वर्ल्ड कप में हरकत किया, वो किसी आपके ही किसी बंदे ने जो है ना, आपके मुल्क के बंदे ने हमारे साथ कोई। और बेशक हम आप लोग अभी नफरत दिखाएं, मतलब यूट्यूब पे भी अभी भी मतलब मैं देख रही कॉमेंट्स तो मतलब एक हेट ही था, एक ह्यूज हेट था, लेकिन आप एटलीस्ट एक सब कुछ इस पाकिस्तान इंडिया और सब कुछ छोड़ के सोचें कि मतलब आप एक मेहनत कर रहे हैं एक बंदा और उसकी मतलब कामयाबी अपने ऊपर रख के सोचें। हाँ कि पूरी पूरी रात बैठ के मतलब मेरे आए भी मुझे आ रहे होते हैं इतने डार्क सर्कल्स हैं आपके, ये हुआ, मैंने कहा भाई ये सही है, मेहनत है, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, थोड़ा सोचा करें। बाकी अब क्या हो सकता है, कोई बात नहीं, हमारी मेहनत जारी है, इंशाल्लाह हमें रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो करता है बेहतरी के लिए करता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, डू लाइक शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज। अब तो बनता है यार सब्सक्राइब करना। हाँ। भाई हम लोग हमारा इतना लॉस हो गया सोचती हूँ ना, कसम से मेरे को अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही कसम से। तो ओके बाइज 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 कैन यू गाइज, अल्लाह हाफिज, मुझे ऐसे ही अनसब्सक्राइब कर देंगे। ओके बाइज आई मीन गाइज, अल्लाह हाफिज।